दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंडा साहिब। कोरोना महामारी के बीच यदि आगामी दिनों में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे तो किस प्रकार काम करना है, इस बारे संचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल यदि लॉकडाउन 4 के दौरान यदि बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ इन दुकानों पर ही होगी। पिछले करीब 51 दिनों से उक्त दुकानें बंद है, जिस कारण लोगों को बाल काटने को लेकर परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने उक्त व्यवसाय के संचालकों के लिए प्रशिक्षण कैंप का आयोजन पौंडा साहिब के वीडियो सभागार में आयोजित किया, जिसमें वीडियो पौंडा साहिब सहित स्वास्थ्य विभाग और व्यापार मंडल ने संचालकों को बताया कि किस प्रकार की सावधानी रखनी है ताकि वायरस का फैलाव रोका जा सके। उधर संचालकों का कहना है कि उनकी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। हेयर कट के बारे में बताया कि हेयर कट ही होगा, सिर्फ सेविंग वगैरह नहीं होगी। उस समय हेयर कट करना है, सब सीजर से करना है। अच्छा। ना इसमें ट्रिमर यूज होगा, ना इसमें रेजर यूज होगा। तो इसी चीज के लिए आज कैंप लगाया है, सब भाई लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सब ने यहाँ पे उनका सुना है, उसको फॉलो करेंगे। फिर काफ़ी टाइम हो चुका है कि हम खाली बैठे हुए हैं घर पे, और हम चाहते हैं काम हो जाएंगे। हम लोग तो इसी के सहारा से है, ये दुकानों के सहारा से है, और हमारे पास कोई खेती नहीं है, कोई बाड़ी नहीं है, कोई कहीं भी इससे कमाई ले। हमारे बच्चे यहाँ से नहीं परेशान हो रहे, कोई हम कपड़ा नहीं खरीद सकते, कोई हम कुछ नहीं खरीद सकते, कोई हम सामान नहीं खरीद सकते। हमारे पास एक पैसा नहीं है कहीं भी, जो मतलब कि हम किस चीज़ से खरीदेंगे। हम लोग आज दिनांक 13 मई को हमारे खंड विकास अधिकारी कार्यालय पौंडा साहिब ने एक दिन का जो कार्यशाला है वो आयोजन किया गया था। ये कार्यशाला बेसिकली जो बार्बर्स है या जो सैलून वाले लोग हैं या जिनका ब्यूटी पार्लर का काम है लेडीज़ का, उनके लिए ही बेसिकली जो ऑर्गेनाइज की थी, जो वर्कशॉप थी। इसमें इनको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमें ऊपर से आए हैं, जो डायरेक्शन सरकार से आई है, कल को अगर इनकी शॉप्स खोलनी है या इनको थोड़ा सा व्यवसाय चलाना है इनका, तो कैसे वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए ताकि हम कोरोना से भी मतलब लड़ सकें। तो इसमें अभी के लिए फ़िलहाल कटिंग के ऊपर ही हमने बताया, डॉक्टर्स की टीम थी हमारे पास और लेबर ऑफिस से भी हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर भी थे, तो व्यापार मंडल से भी हमारे पास लोग यहाँ पर। काफ़ी अच्छी चीज़ें उनको बताई गई डॉक्टर्स की टीम के थ्रू कि कैसे हमें साफ़ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखना है ताकि हम कॉन्टैक्ट में लोगों के टच ना हो, बट हाँ इनके जैसे काम जो है, जो बार्बर्स का काम है उसमें कॉन्टैक्ट ज़रूर हो जाता है, तो उसमें कैसे हमें ग्लव्स पहन के काम करना है या उनके जो इक्विपमेंट्स है, जो कैंची वगैरह यूज़ करते हैं उसको सैनिटाइज करना है, कैसे कौन से क्लोथ यूज़ करने हैं, मास्क को बार बार चेंज करना है, ब्लेड्स नहीं यूज़ करने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ही ये चीज़ें हमने आज बताई हैं, तो कुछ मतलब इनको थोड़ा जागरूक हो जाए ताकि आगे जैसे ही कुछ इनको ढील मिलती है, अगर ये शॉप्स खोल सके तो जब भी इनके लिए कोई गाइडलाइंस आती है तो ये उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे अपना काम चालू कर सकें, ताकि इनका जो रोज़मर्रा का जो खर्चा है वो थोड़ा बेसिक खर्चा वो निकल सके। इस कार्यशाला में अप्रॉक्सीमेटली 62 जो बार्बर्स और सैलून्स के जो लोग थे वो हमारे पास जो रजिस्टर्ड थे, और उसके अलावा भी कुछ एक लोग और थे जिनको थोड़ा इसकी गाइडेंस चाहिए थी, तो अराउंड 80-100 पीपल थे, लेकिन उनको बैचेज में हमने ट्रेनिंग दी ताकि हम, क्योंकि हमारी हॉल की कैपेसिटी उतनी नहीं, तो हम उनको हाफ हाफ में स्प्लिट करके उनको डिफरेंट मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए उनको ट्रेनिंग दी गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पौंडा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंडा साहिब, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर.के. दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एनडीए, एनटीएस जैसी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। नगर परिषद महान प्रबुद्ध जनता से अपील करती है कि कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन करें।
नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। इसके साथ साथ नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व होर्डिंग्स लगाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को प्रचारित व प्रसारित किया गया है। आम जनता से अनुरोध है कि वे घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही दुकानें खोलें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। नगर परिषद नाहन पूरे शहरवासियों से अनुरोध करती है कि जिस ढंग से जो हमने अभी दुकानें जिला प्रशासन और सरकार के आदेशों से खोली हैं, जिसमें रेड कलर और ग्रीन कलर लगाया है, रेड कलर के लिए डे फिक्स हैं और ग्रीन कलर के लिए भी डे फिक्स हैं, उसी दौरान जो है वो दुकानें खोलें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो अनुपालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थल के ऊपर जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो थूके ना, और इसके साथ साथ जो है अपना जो गार्बेज है वो नगर परिषद की गाड़ियों को दें, कृपया वो जो है सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर ना फेंके। थैंक यू। आज हमारा देश जो है उस कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पे भी पड़ा हुआ है। आज हमारे सभी लोग जो है घर में कैद होकर के रह गए हैं। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, चाहे वो सरकारी है चाहे निजी है, वो मेरे से टेलीफोन पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा संदेश भी है आप लोगों को कि कोशिश करें कि वे घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और घर से अगर निकले तो मास्क पहन करके निकलें और एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें कि एक दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 1.5 से 2 मीटर का जो है वो फासला होना चाहिए। मैंने विधायक निधि से 5 लाख रुपये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की चीज़ें हैं जो कोरोना से संबंधित हैं, उनके लिए 5 लाख स्वीकृत किए हैं। और आज ही मैंने CMO नाहन और BMO शिलाई और BMO राजपुरा से विस्तृत चर्चा की है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना की महामारी में, जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अधिक जरूरत है उसको खरीदा जाए ताकि लोगों को भी उसका फ़ायदा हो और लोगों को भी बचाया जा सकता है। जिसमें हमने फैसला किया है कि हर घर को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और थर्मल स्कैनर जो है वो हर हॉस्पिटल में और हर डॉक्टर के पास जो है थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो टेम्परेचर है, किसी को तापमान है, उसका एक फासले पर रह करके थर्मल स्कैनर से जो है वो डॉक्टर जो है वो पता लगाएगा कि उसको टेम्परेचर है कि नहीं है। और इसके साथ हमने हैंड सैनिटाइजर्स को उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए हैं। और जो बड़ी PHCs है, जहाँ पे OPDs है, जहाँ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जैसे शिलाई है, कफट्टा है, राजपुरा है, वहाँ पे एक मशीन जो है हैंड सैनिटाइज़र की मशीन जो है जिसको पैर से ऑपरेट किया जाता है, उसको ख़रीदने के भी मैंने BMOs को आदेश दिए हैं कि भी तीनों जगह पर जो है ये मशीन को इंस्टॉल किया जाए ताकि उसमें जो है बचाव किया जा सकता है। मैंने पिछले कुछ अरसे में जो भी अपने क्षेत्र की समस्याएं थी, जो इस प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर लोग फंसे थे, उनको सरकार के समक्ष उठाया है और हमने कोशिश की है, लोग अपने घरों में आए हैं और बहुत सारे लोग आए भी हैं, और अब जो लोग रह गए हैं हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में उनको भी तुरंत घरों को वापस लाया जाए। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है, वो कभी भी मेरे से टेलीफोन पे संपर्क करें, मैं आपकी जो दिक्कत और समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत